दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगॉस होटल। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज मोहम्मद आजम अली। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए, कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? हमें उम्मीद है जवाब देंगे कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ही करवा रहे हैं क्या? नहीं माननीय मुख्यमंत्री, आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, मैं उन्हीं माने और उनसे ये उम्मीद करना कि वो प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे, ये तो उनके शासन काल के समय हुआ ही था जब स्टेट गेस्ट हाउस की घटना घटित हुई थी। आचरण तो उनका उस समय भी सामने आया था। लड़के हैं, गलती कर देते हैं, ऐसे भी बयान आए थे। ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। महोदय, वे लोग लोकतंत्र की बात करें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये किसके गुरु हैं? यानी यह सिद्धानंद गुरु किसके हैं? यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और महोदय, मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए, कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? किस प्रकार की बात करते हैं जी आप? कुछ भी बोल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए। जब कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वह दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए, ये जवाब।